पूरा बदन गर्म सा हो रहा है, फीवर सा लग रहा है मुझे। बाय। ऑडियो जंप। आज का ब्रेकफास्ट चना मसाला, बहुत ही हेल्दी होता है ये। मसाले वाले चने, थोड़े से कच्चे चने, गाजर, मूली, टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्ची और क्या, खीरा, थोड़े से मूंगफली के दाने। वाह, मस्त, एकदम मस्त। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दीवल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दीवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ क्लीन अप करवाने के लिए अपने पार्लर। तो फ्रेंड्स, हम तो गए थे क्लीन अप के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी स्किन को नीड है फेशियल की, तो फिर फेशियल ही करवा लिया बढ़िया सा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेशियल करवा लिया है। कह रहे और फरीद जी मुझे लेने आए हुए हैं, मुझे छोड़ के चले गए थे, अभी बुलाया है, आए हैं पेमेंट कराने के। पेमेंट कर रहे हो क्या फरीद जी? स्वीट हो। आज मैं यहीं से बना रही हूँ वीडियो। आज में ये देखिए, हमारे दानिश भाई इतना जल्दी फास्ट काम करते हैं ये, और जब ये बहुत फास्ट कर लेते हैं तो मैं लेट हो जाती हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं वहीं से वीडियो बनाती हूँ ताकि आपकी चोरी पकड़ी जाए, आपने मेरा काम किया कि नहीं किया। इसलिए आज वीडियो मैं वहीं से बनाते आ रही थी ना। अच्छा, हमारा तो बिल्कुल काम पे, मतलब काम जो है टाइम पे ही तैयार हो। हाँ, अब तो यही। इस बार तो आप लेट हो गए। हाँ, मैं लेट हो गई। नहीं, हमारे भाई हमेशा जिसका काम लेते हैं वही डेट पे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल लेट नहीं करते हैं। ये भाई भी बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, और सामान तो खोते ही नहीं है बिल्कुल, जो सामान जहाँ रखते हैं वही मिलता है इनका सामान। आज मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए भाई मुझे सूट दिखा रहे हैं, वरना मुझे पैक करके दे देते हैं, घर में जाके मुझे सरप्राइज मिलता है। घर में जाके मैं सरप्राइज होती हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत होती है भाई फौरन ठीक भी कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिक्कत होती नहीं है, एकदम परफेक्ट बनाते हैं मेरे कपड़े। नहीं, आज कारीगर भी तैयार है एकदम, अभी तैयार तारीफ करवाने के लिए। हाँ, तो जो भैया के ये साथ में काम करते हैं, ये लोग तो बहुत ही होशियार है, और अल्लाह पाक इनका बुटीक और ज्यादा बढ़े, और जगह घेर ले इनका बुटी। वैसे नहीं, वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं, इनके देख लो कितना काम पड़ा हुआ है, ये सब देख लो, माशाल्लाह ये बहुत बिजी रहते हैं। अभी फरवरी में इनकी शादी, यानी फरवरी में है अभी, हाँ फरवरी में शादी है, इन्होंने मुझे बुलाया हुआ है, फिर मैं फिर मैं जाऊंगी इनके यहाँ पे शादी में, ठीक है, फिर व्लॉग बनाएंगे हम वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली इन्होंने मेरा येलो वाला जो सूट था वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, घर जाके पता चलेगा। और बुटीक से आते हुए फैज़ के स्कूल का वक्त भी हो गया था, उसको लाने का, उसकी छुट्टी का, तो बस फिर हम लोग स्कूल गए थे और लेट हो गए थे थोड़ा, तो देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है। बना दिया। चलो, वेट कर रहे थे क्या? लेट हो गया। चलो चलो, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे हो रहा है काफी ज्यादा सिर में दर्द, मेरी कुछ दिन से नींद नहीं पूरी हो पा रही है, तो अब मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ, दोपहर का वक्त है, बड़े दिनों के बाद में। आज मैंने खाना भी नहीं खाया है सोने के चक्कर से, इन लोगों को दे दिया है, मैंने कहा भैया आज तो मुझे सोना है। मेरा लाइट मैन देखो। कितने अच्छे मेरे मेंबर है यूनिट के जो है ये लोग। अब जराओ फिर ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं सोने जा रही हूँ और शाम में उठती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, देखती हूँ मेरा सिर दर्द खत्म होता है कि नहीं होता है। मुझे 3-4 दिन से हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ठीक हो रहा है, हो रहा है, ठीक हो रहा है। अब मैं सो लेती हूँ थोड़ा सा, तबीयत मेरी आज ज़्यादा ही जाने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज़ नहीं कर रही हूँ, अभी आऊँगी शाम में, दोपहर भर के लिए आई है। पूरा बदन गर्म सा हो रहा है, फीवर सा लग रहा है मुझे। बाय।
फ्रेंड्स मैं उड़ गई हूँ सो के, अल्लाह का शुक्र है। मुझे कुछ टाइम तक तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मुझे लंबी नींद का गैप हो जाता है तो जल्दी नींद भी नहीं आती है, और बुखार सा एकदम हो रहा था, पर बाद में अभी लास्ट तक तो मुझे नींद आ गई, मैं सो ली हूँ थोड़ा सा। अब मुझे थोड़ा फ्रेश लग रहा है, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। अब मैं जा रही हूँ नीचे कुछ ढूंढने, कुछ उल्टा पुल्टा जल्दी वाला कुछ मिलेगा तो जल्दी से खाती हूँ, अपनी भूख मिटाती हूँ, चाय कॉफ़ी कुछ बनाती हूँ जाके, और फ्रेश होती हूँ। अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, वरना मेरा जो हाफ साइड है इधर इतना दर्द हो रहा था मुझे, दो तीन दिन से कंटिन्यू दर्द हो रहा था। बस मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं वो चीज़ें झेलती रहती हूँ जल्दी, मतलब मैं जल्दी गिरती हूँ, अपने आप कंट्रोल किए रहती हूँ, लेकिन आज मुझसे नहीं हो रहा था तो मैं जा रही हूँ मैं नीचे चाय बनाने। थप करो आप। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर से नीचे आ रही थी, फरीद जी मेरे लिए शकरकंद और दूध बना के रखे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है। सो स्वीट, कितने अच्छे हो, बताइए बताइए, ये मेरे लिए शकरकंद और दूध बना के रखे हैं। सो स्वीट, कितने प्यारे हो। आज ये पसीनो मेरी फर्स्ट टाइम ऊपर चढ़ाई है फरीद जी ने, हम दोनों ने मिलके चढ़ाई है, तो थोड़ा सा घर में ऊपर चढ़ाने में दिक्कत है, क्योंकि घर काफ़ी हाइट में है, तो मेरे बस की तो नहीं है अकेले की। देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस जब अंदर कर लिए तो फरीद जी ने कहा कि लाओ मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। देखिए इधर कैसे चढ़ाई है, धक्का मार के चढ़ाई है। ओके तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी आज मेरी नींद पूरी हुई है, तो थोड़ा अच्छा तो लग रहा था, पहले से बेहतर थी मैं, सिर का दर्द भी थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट सी हो रही थी, शाम में चाय पीने के बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। और जब हम लोग आए तो फाइनली आज हमारी जो पसीनो है फरीद जी और हमने दोनों ने मिल के ऊपर चढ़ा तो ली है, और सुबह उतार भी लेंगे, तो इसके लिए दो लोग तो चाहिए, और अकेले मेरे बस की तो है नहीं है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर, अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का यहाँ पे कर रही हूँ एंड, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। फराज बाय बोलो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।